नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रिड्यूसर का वेट कैसे निकाला जाता है उसको आज हम लोग को देखेंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक रिड्यूसर लिया जिसका बड़ा वाला डाइया 2 मीटर है और छोटा वाला डाइया 1 मीटर है, और ये 2 मीटर और 1 मीटर, और इसका हाइट जो है 800 mm है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका डेवलप भी कैसे है, वो लेआउट में निकालते हैं, और उसका वेट कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा बात है उसका वेट कैसे निकाला जाता है उसको आज हम लोग को सीखेंगे। और हम लोग उसको पहले जो वीडियो में हम लोग को देखे थे उसमें कैलकुलेशन करके सब निकाले थे, आज क्या है बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो भी निकाल सकते हैं कैसे, उसको सीखेंगे। तो अभी हम लोग को अगर निकालना है ये वाला हाइपोटेन्यूस, इसका जो छोटा वाला हाइपोटेन्यूस वो निकल सकते हैं आराम से, ये 500 का स्क्वायर और ये 800 का स्क्वायर का रूट ओवर मानने से 943.3980 आ रहा है, ये आ गया। अगर हम लोग को ये बड़ा वाला निकालना है, बड़ा वाला रेडियस निकालना है, बिग रेडियस को निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला ये देखिए। तो हम लोग को उसको क्या कर सकते हैं, अभी बड़ा वाला रेडियस को इसको क्या कर सकते हैं, 500 mm को 900 943 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या है, पर mm में ये कितना लेंथ है ये आ जाएगा। तो उसका बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 मीटर में, ये 2 मीटर का डाया है तो इसका सेंटर तक 1 मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको अभी कैसे करेंगे, मेरे पास अभी वही साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं उसमें जनरल में कर लेता हूं। अभी हम लोग का कितना 943 ये आ गया, इसका छोटा वाला हाइपोटेन्यूस से ये आ गया। अब ये आ गया तो उसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड 500, डिवाइड 500, ये आ गया पर एमएम में 1.880। अगर हम लोग को ये यहां से यहां तक आ रहा है कितना 1000 mm, मतलब 1 मीटर आ रहा है, तो उसको कैसा आएगा, इंटू 1000 करते हैं, इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 1886.79। अभी इसमें 1886.79 ये आ गया, अभी उसमें कोई डिग्री विग्री लेना नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट ऐसा ही निकल गया। तो अभी उसका जो हम लोग का क्या है पर्पस है, वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए हम लोग को क्या है, बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस दोनों चाहिए, तो इसका वजह से हम लोग को ये वाला निकालना पड़ा। और ये अगर हम लोग को निकाल दिए, ये वाला लेआउट वाला फॉर्मूला भी हो गया, तो हम लोग को दोनों को दोनों तो काम इसी में एक ही साथ में हो गया। तो अभी हम लोग को जैसे निकाले थे ये आ गया था, ये यहां तक हम लोग निकाल लिए। और अभी क्या है, ये बड़ा जो बिग रेडियस से अगर ये इसका हाइपोटेन्यूस माइनस करने से ये स्मॉल रेडियस और निकल ही जाता है, तो इसमें कोई डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये भी निकल गया। अभी हम लोग का पास बड़ा और छोटा, अभी हम लोग का पास बच गया ये वाला। अभी हम लोग को ये वाला, हम लोग को ये एरिया चाहिए, एरिया होने से हम लोग को उसका वेट निकाल सकते हैं। तो उसको एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है, तो उसको क्या है, एरिया निकालने के लिए हम लोग को डिग्री भी चाहिए, तो हम लोग को डिग्री भी निकाल लेंगे बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके कैसे, वो भी आपको अभी बताऊंगा। अभी उसके लिए मैं पहले एक मार के रखा हूं, आप देख लीजिए ये बड़ा वाला डाया जो है रेडियस का है वो 1886, वो जो मैं पहले दिखाया था यहाँ पे वो ये है, और छोटा वाला जो है 943
जो ये है। तो हम लोग वो छोटा वाला रेडियस पूरा मार दिए और ये बड़ा वाला रेडियस पूरा मार दिया, और हम लोग को चाहिए इतना एरिया का वेट। तो हम लोग को उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है इसका, जो पूरा एरिया निकालने के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, वो एच तो लिखा था मैं हाइट के लिए उसका, मैं अभी उसको निकल के आपको दिखाता हूँ। इसका बड़ा आर हो गया 1886 स्क्वायर माइनस छोटा आर हो गया कितना 943 का स्क्वायर। हम लोग का उसका ये एरिया, ये पूरा एरिया का वेट आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। तो पूरा एरिया आ गया तो उसको डिग्री, उसको क्या करते हैं हम लोग को, ये 360 डिग्री में इतना एरिया आया उसको हम लोग को डिवाइड कर देते 360, ये पर डिग्री में इतना आ गया। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग का ये डिग्री कितना है 190.87, 190.87 इसको क्या करते हैं इंटू करते हैं इंटू 190.87, अभी ये आ गया इसका एरिया। तो अगर हम लोग को उसका वेट निकालना है तो इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग का 10 mm का प्लेट का है इंटू 10 इंटू 7.85, ये कितना हो गया। और हम लोग को इसको ये में लिए थे तो उसको आप डिवाइडेड 1000 कर लेते हैं, तो 348 kg। अभी हम लोग का इसका वेट जो आ गया 348 kg। मैं भूल गया था इसका डिग्री कैसे निकला निकाला तो उसको बताने के लिए मैं अभी आपको अभी बता देता हूं इसका डिग्री कैसे निकाला। तो हम लोग को यहां पे एक फॉर्मूला जो है जो शेप निकालने के लिए, तो उसका जैसे जैसे 2 πr, तो हम लोग के पास r अभी अवेलेबल है, तो 2 πr होने से यहाँ पे कितना 1886 है, इसको क्या करते हैं 1886 इंटू 2 इंटू यह आ गया कितना 11 m 850। उसको क्या करते हैं अभी अभी 360 डिग्री को हिस्सा करते डिवाइड है ये 11 m 850। तीन सौ साठ डिवाइडेड है 11 m 850, ये आ गया इसमें। अभी हम लोग का 2 m का शेप कितना आ रहा है 6 m 283। अभी इसको अगर इंटू 6 m 283 करते तो कितना आ रहा है 190.87।
तो 190.87 ये डिग्री ऐसे निकल जाता है, कोई साइन कॉस टैन कुछ लगाने का जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे आसानी से निकल जाए। अभी क्या है, दो तरीका से हम लोग रिड्यूसर बनाना सीख गए। अभी बाद में कैसे बड़ा वाला रिड्यूसर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और जिसका रेडियस बहुत लंबा रहता है तो वो तो रेडियस का अंदर में नहीं आता है, उसको कैसे बनाते हैं उसको भी सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।